अब मेरे कहने पर आए हो तो क्या मुंह बनाए रहोगे? नहीं, एक्चुअली काम की कुछ टेंशन है। तो फिर हंस के दिखाओ। कम ऑन शायमा, क्यों बच्चों की तरह पीछे पड़ी हो? स्माइल। हाँ, देखो वो लोग आ गए। आहा, आज तो बहुत खूबसूरत लग रहे हो दोनों। अंदर चले हम? हाँ हाँ। Sana gönlümü verdim ey nazlı güzel. Seni almazsam gözlerim açık gider. Bana ellerini ver, hayat seni sevince güzel. Yoluna adadım ömrümü ben, gel kaçma güzel. Bana ellerini ver, hayat seni sevince güzel. Sana gönlümü verdim nazlı güzel.
इस सब के बाद क्या करोगी? मैं डिवोर्स लेना चाहती हूँ। डियर, ये फैसला आसान नहीं है। आई मीन, सोच लो। बहुत वक्त ले लिया मैंने, जो बाद में होना है वो अभी हो जाए। रह गया रेस्टोरेंट तो मैं खुद ही देख लूंगी। मेरे सामने तुम्हारी मिसाल है, तुमने भी तो सब कुछ अकेले देख लिया था। तुम रह ली हो शौहर के बगैर, मैं भी रह लूंगी। क्या हुआ, क्यों मुस्कुरा रही हो? कितना अजीब सा मौका है, मैंने और बुलंद ने शादी का फैसला किया। कसम खाओ अनम। बस ये सब शायद डेस्टिनी में लिखा होता है, कभी रिश्ते बनते हैं कभी टूटते हैं। अनम तुम इतनी अच्छी हो, तुम्हें सिला तो मिलना ही था, है ना? ऐसी बात नहीं है, अच्छाई तुम्हारी नजर में है। थैंक यू सो मच डियर। शाइमा, बस स्टॉप दिस। सुनो, मुझे छोड़ के जा रहे हो? ये क्या कर रही हो, पागल तो नहीं हो गई हो? मेरे साथ शर्मिंदगी हो रही है। शर्मिंदगी? मुझे कोई शर्मिंदगी नहीं हो रही। जब से उन्हें साथ देखा है तब से तुम्हारा मूड ऑफ है। ये कैसी बातें कर रही हो? मैंने इसीलिए कहा था कि मुझे तुम्हारे साथ अकेले जाना है। मुझे तुम्हारे साथ यहाँ बिल्कुल भी आना ही नहीं चाहिए था। तुम सुबह से इतने चेंज क्यों लग रहे हो साबियार? कुछ नहीं। रजा भी यहाँ है। तुम यही रहो, मैं अभी आती हूँ। ठीक है। शाइमा कहाँ गई? अपने लिए कुछ लेने गई है। Listen to me, शाइमा, तुमने कसम खाई थी कि तुम हमेशा मेरी रहोगी। तुम इस तरह मुझसे नहीं भाग सकती शाइमा। वो सब खत्म हो चुका है। देखो, बेहतर होगा कि तुम मुझसे सच बोलो। अच्छा, अभी तो चलो यहाँ से। शाइमा के बाबा का मैसेज आया है, उन्होंने हम दोनों को मैसेज किया है कि जल्दी पहुँचो। क्या मतलब जल्दी पहुँचो? अरे हाँ, शाइमा के बाबा बहुत गुस्से वाले हैं और वो शाइमा को बाहर निकलने नहीं देते। That's very interesting. क्या हो गया? सारी लड़कियों के बाप ऐसे ही होते हैं। मेरी मानो तो फौरन चलो यहाँ से। चलो उठो। ठीक है, मैं शाइमा को लेके आता हूँ। अरे चलो, अब बाहर चलो। यार मुझे शाइमा को लाने तो दो। नहीं, आ जाएगी। अरे मैं एक मिनट में आ रहा हूँ। जावियर, तुम्हें मेरी बात समझ में क्यों नहीं आ रही है? तुम कहीं नहीं जाओगे, समझे तुम? चलो, मैं शाइमा को मैसेज कर दूंगी। चलो अब। मैंने कहा ना, मेरी लाइफ में कोई और नहीं है। मुझे यकीन नहीं है तुम पर। क्यों एक बात के पीछे पड़ गए हो? मैंने कहा ना कि ऐसा कुछ भी नहीं है। मैं क्यों झूठ बोलूंगी तुमसे रजा? ठीक है, तो फिर तुम्हें मुझे वहीं मिलना होगा जहाँ मिलते थे। मैं तुम्हारा इंतजार करूँगा। ठीक है, मिलेंगे। बहुत याद आती है तुम। रजा बस करो। मुझे करीब क्यों नहीं आने देती, क्यों तड़पाती हो तुम? रजा प्लीज, तुम जाओ यहाँ से। मैंने कहा ना हम कल मिलेंगे, इस वक्त तुम जाओ प्लीज। आखिर तुम्हारा मसला क्या है, क्या छुपा रही हो तुम? एक मिनट, छुपो छुपो जाके अंदर जाओ।
कितनी देर लगा दी उसने, मैं देख कर आता हूँ। क्या हो गया है? उफ जावियर, अंदर क्या देखने जा रहे हो आखिर तुम? परेशान ना हो, हो सकता है टॉयलेट गई हो, आ जाएगी अभी। मैं कब से अंदर ढूंढ रही हूँ, तुम लोग यहाँ हो? हम तो कब से यहीं खड़े हैं। शाइमा आखिर तुम कहाँ रह गई थी? मैं वॉशरूम गई थी। इतनी देर वॉशरूम में? हाँ तो क्या हो गया? शाइमा सुनो, तुम्हारे बाबा का मैसेज आया था, गुस्से में थे। हाँ हाय, ये तो बहुत मसला हो गया, चलो घर चलें। हाँ बस चलते हैं यहाँ से। तो फिर घर चलो, चलो जल्दी चलो यहाँ से। हाँ अच्छा ठीक है, चल रहे हैं। तुम्हारे बाबा यहाँ तक तो नहीं पहुँचाएंगे ना? इनफैक्ट अयाज, मुझे जल्दी घर पहुँचना है, यहाँ खड़े रहे तो नहीं पहुँचेंगे। आई सी। ओके सी यू देन, गुड नाइट। गुड नाइट, बाय बाय, शुक्रिया। बिल्कुल अच्छा नहीं लगा मुझे यहाँ आना। ओके बताओ कहाँ अच्छा महसूस करोगे तुम? किसी पुरसकून साहिल पे। जो आई एम सॉरी, अब यही तुम्हें कहना है। मैंने ऐसा क्या किया? I mean, ठीक है मैंने तुमसे बदतमीजी की, मगर तुमने भी तो वहां पर अच्छा बिहेव नहीं किया ना मेरे साथ। तुम सारा वक्त कहीं खोए हुए थे जावियर। तुम्हारी गलत फहमी है। गलत फहमी? मेरी गलत फहमी? सुबह से तुम इसी तरह बिहेव कर रहे हो मेरे साथ। I mean, ये माफी मांगने का कौन सा तरीका है शायमा? सुबह मैंने आई लव यू कहा था। मैंने भी तो कहा था। मैं जानती हूं, लेकिन कह देने और करने में फर्क होता है। ये रिश्ते जबरदस्ती नहीं बनाए जा सकते जावियर। जब तक तुम मुझे अपने करीब नहीं आने दोगे, मेरी जगह कहीं नहीं बन सकती। मुझे वाकई तुमसे मोहब्बत हो गई है। गुड नाइट। गुड नाइट। Listen to me, मैं आइंदा तुमसे मिलना नहीं चाहती। क्या अब तक जावियर को चाहती हो? वो भी यही पूछता है। अयाज को चाहती हो? फिर तुम क्या जवाब देती हो? हंसती हूँ दीवानों की तरह। मुझे मेरे सवाल का जवाब नहीं मिला। कौन सा सवाल? जावियर, अब तक उसे चाहती हो? मुझसे भी ये सब नहीं होता। क्या मतलब? यानी यही कि सब ये झूठ, अब मुझसे ये सब बर्दाश्त नहीं होता इस दुनिया। मुझसे भी नहीं होता।
कल बुलंद बाबा के बर्थडे पे हम सबको बता देंगे। हाँ यही सही वक्त है, यही सही वक्त है। कुछ दिन तुम्हारा ये प्यार का नाटक करना मुझे अच्छा लगा जीनिया मैडम, थैंक यू सो मच। मुझे भी अच्छा लगा यास, शुक्रिया। सर्दी हो रही है ना, तुम्हें अपनी जैकेट लाके दे दूं या कहीं और चले? नहीं बस अब हम घर चलते हैं। काम डाउन लड़की, लास्ट टाइम पैनिक में गई थी याद है ना क्या हुआ था तुम्हारे साथ? पैनिक एक ऐसी बीमारी है जिसे मैं याद ना भी करूं तब भी वो मेरे पीछे पड़ जाती है। हाँ ये तो बचपन से पता है मुझे। अच्छा तो बताओ मुझे, रात में भी इसी उलिये में घर आओगी क्या? अरे नहीं यार, आज अयाज हमारे बारे में सब कुछ सबको बता देगा। ओ थैंक गॉड। तुम इस फैसले से शायद अपसेट लग रही हो। कौन सा फैसला? अयाज वाले फैसले की बात कर रही हूँ, यही कि तुम दोनों कपल नहीं हो। नहीं भाई, क्यों होंगी अपसेट? मुझे लगा बिकॉज मैं तुम्हारे मूड को रीड कर सकती हूँ ना। ओ ऐसा नहीं है, मैं बस नर्वस हूँ। देखा लेट हो गई मैं, तुम्हारी बातों में मेरा सारा वक्त गुजर गया, अब सारा इल्जाम मुझ पे ही डालोगी। वेरी बैड गर्ल, वेरी बैड। अच्छा तो मैं चलती हूँ अब, ठीक है?
रजा भाई। अरे मेरे शायर, कैसे हो तुम? कहाँ गायब हो? ये सवाल तो मुझे करना चाहिए। अरे क्या बात कर रहे हो, जावियार से तो मुलाकात होती रहती है। भाई अगर मुझे मालूम होता तो मैं जरूर। हाँ एक दो बार मिले हैं मुझे, रजा भाई ने कल प्रोजेक्ट के लिए कॉल की थी, मैं बताना भूल गया। हाँ बिल्कुल, फिर तो आपसे मुलाकात होती रहेगी। बिल्कुल बिल्कुल, आइए बैठिए। सही कहा। बुलंद, एक्चुअली मुझे बहुत बहुत नर्वस हो रही हूँ मैं। बच्चे मान तो जाएंगे ना, क्या लगता है तुम्हें? सब ठीक होगा, तुम परेशान ना हो, ऐसा कुछ मत सोचो। मैडम आपके लिए ये पार्सल आया है। कहते तुम बिल्कुल ठीक रहे हो, लेकिन फिर भी घबराहट तो होती है ना, क्या करूं? हाँ अगर बच्चों ने अच्छा रिएक्शन ना दिया तो। या अल्लाह, ये सीडी तो तोड़ फोड़ के भेजी है। क्या हुआ? नहीं नहीं तुम्हें कुछ नहीं कह रही, तुम्हें नहीं कह रही। हुआ क्या? हई भाड़ में जाएं ये लोग। ये क्या कह रही हो? बुलंद मैं तुम्हें थोड़ी देर में कॉल करती हूँ, इम्पोर्टेंट काम आ गया है। हाँ ओके डार्लिंग, रात में बात करते हैं। ओके बाय, फिर बात करेंगे। उफ, ये देखो जरा। उफ, इसरा देखो, मैं कंस्ट्रक्शन बिल्कुल यूरोपियन तर्ज की चाहता हूँ, एलिवेशन प्योर ग्लास की होनी चाहिए। वैसे भी मार्केट में शीशा आजकल सस्ता है। रियली भाई आप बिल्कुल नहीं बदले। अरे यार बदलने वाला भी कोई इंसान होता है, मैंने तो कभी अपनी गर्लफ्रेंड भी नहीं बदली। चलो फिर ठीक है, हम फौरन आपके प्रोजेक्ट की वर्किंग स्टार्ट कर देते हैं, बिल्कुल कोई प्रॉब्लम नहीं। क्यों अयाज? हाँ बिल्कुल क्यों नहीं। तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया, मुझे पता था कि तुम इनकार नहीं करोगे। और सुनाओ कोई शादी वादी की अभी तक या वैसे ही? क्या ख्याल है हम लोग चल के साइट का सर्वे ना कर लें, क्या कहते हैं आप लोग? अरे यार ये अयाज कब से इतना मेहनती हो गया। डार्लिंग देखा तुम्हारी लवली फ्रेंड फिर से लेट हो गई है। उसे तो मैम ने जल्दी आने को कहा था। एग्जैक्टली, इसे कहते हैं अपने पाँव पे कुल्हाड़ी मारना। जीनिया की बच्ची, आराम से चलो, आराम से। मुझे देर हो गई, आई एम सॉरी। मैम गुस्से में है। वैसे तुम्हें पहले दिन लेट नहीं होना चाहिए था। ओ गॉड, अब क्या करूँ मैं? बहुत ही बड़ी इडियट हूँ मैं, तुम्हें माफी मांगनी चाहिए। तुम्हें ऐसा लगता है? वो तो ठीक है, लेकिन पता नहीं हो मुझे माफ करेंगी भी या नहीं। चलो आती हूँ। क्या मतलब है कि आप लोगों की गलती नहीं, ऑर्डर आप लोग ला रहे थे, रिस्पॉन्सिबिलिटी आप लोगों की थी, मैंने तो भरोसा किया था ना। Now you listen to me, ये सीडी मुझे असली हालत में वापस चाहिए। यानी आप लोगों से नहीं होगा, बहुत अच्छे, लेकिन अब आप लोग तैयार हो जाएं क्योंकि मैं आपको सू कर दूंगी, समझे आप मेरी बात? हेलो हेलो हेलो, ये क्या बात हुई? यानी उनको कोई जवाब नहीं मिला तो उन्होंने मेरी कॉल ही डिस्कनेक्ट कर दी, वाह क्या बात है। शाइमा। यस मैम। ये लड़की मेरे सामने क्या कर रही है? हाँ ये आपसे माफी मांगने के लिए आई है ना जीनिया? कहो क्या कहना चाहती हो? सॉरी मैम, वो मैं आ जाने में लेट हो गई ना, वो मैं असल में मैं तैयारी कर रही थी ना, तो वो सिर्फ 4 घंटे हैं, 4 घंटे हैं तुम्हारे पास, उसमें तुम्हें इस रिकॉर्ड को ढूंढना है। ये कहां से मिलेगा? कहीं से भी, यानी पूरा शहर है तुम्हारे पास, कहीं से भी ढूंढ के ले आओ। अनम मैम। शायमा चलो 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 यहां से। कम से कम लोकेशन तो बता देती, मैं कहां से ढूंढूंगी। वाकई मुझे भी इस बारे में कुछ नहीं मालूम जीनिया, मुझे तो वक्त भी कम लग रहा है, 4 घंटों में तो कुछ नहीं होता। डियर अब 4 घंटे हो या पूरा दिन, तुमने रिकॉर्ड नहीं ढूंढा तो समझो तुम्हारा आज आखिरी दिन है।
अयाज, अयाज को जरूर पता होगा। भाई जो साइट आपने बताई है ना, वो हम दोनों के लिए बहुत अच्छी रहेगी। बहुत आइडियल लोकेशन है और जमीन भी बहुत सस्ती है। मालिकान भी मसला नहीं करेंगे। एक्सक्यूज मी, कहो जीनिया। जीनिया नाम है इसकी गर्लफ्रेंड का। हाँ बस ऐसा ही समझ लें। अयाज मैं अर्जेंट सिचुएशन में फंस गई हूँ। जीनिया डियर, अभी एक मीटिंग में हूँ, बहुत जरूरी है, कुछ देर बाद कॉल करूंगा तुम्हें। अरे नहीं, बात सुनो, ज्यादा टाइम नहीं लूंगी, जल्दी से बताती हूँ। असल में अनम मैम ने मुझे एक पुराना म्यूजिक रिकॉर्ड ढूंढने को कहा है और मुझे नहीं पता कि वो मुझे 4 घंटे में कहाँ से मिलेगा। प्लीज मेरी हेल्प करो। ठीक है, थोड़ी देर बाद तुम्हें कॉल करता हूँ। ओके ठीक है, जल्दी करो। जावेयर तुम भी अपने दोस्त से रोमांस सीख लो या वैसे ही बैठे रहोगे। यार मुझे सच सच बताओ, क्या तुमने कोई गर्लफ्रेंड बनाई है या नहीं? मेरा तो मानना है कि औरत के बगैर जिंदगी मुश्किल है और मेरी मैरिड लाइफ का तुम्हें पता है। क्या कहते हैं, साइड पे चलें? यार अयाज तुम्हें इतनी भी क्या जल्दी है? हाँ तो जावेयर, मैं तुम्हें अपनी गर्लफ्रेंड के बारे में बता रहा था। बहुत खूबसूरत है वो, बल्कि मैं तो बहुत खुशकिस्मत हूँ, लगता है फिर से जवान हो गया। अयाज तुम तो उससे मिल चुके हो, याद है तुम्हें? अरे यार वो जिसके ब्राउन बाल थे। हाँ मिला था, लेकिन माफ कीजिएगा मुझे ठीक से याद नहीं है। जावेयर तुम्हें फौरन एक जगह पहुंचना होगा, जीनिया को तुम्हारी हेल्प की जरूरत है। क्यों, आंटी ने कुछ कहा क्या? हाँ इसलिए तुम्हें वहां जल्दी पहुंचना होगा। मगर अयाज रजा भाई आए हुए हैं, मैं कैसे जा सकता हूँ? यहाँ बिजनेस के सारे मैटर्स मैं खुद देख लूंगा, मैं हूँ यहाँ, तुम्हें परेशान होने की जरूरत नहीं। अब जल्दी कर उठो और फौरन वहां पहुंचा, यही बेहतर होगा। हाँ जैसा तुम कहो। ओके बातें तो अभी बहुत हैं दोस्तों, लेकिन फिर करेंगे। हाँ क्यों नहीं भाई। रजा भाई चलें फिर, मैं चलता हूँ। हाँ बिल्कुल क्यों नहीं, लेकिन अगली बार तुम्हारे साथ गर्लफ्रेंड होनी चाहिए। हाँ हाँ भाई क्यों नहीं। ठीक है फिर मिलते हैं। रजा को मैं पहले जानती थी, लेकिन अब हमारे दरमियान सब खत्म हो गया है। साबिया मेरे भाई जैसा है, उसे दुखी नहीं देख सकता हूँ। सही कहते हैं कि ये आंखें दूसरों से पहले हमें खुद को धोखा देती हैं। इंसान जिंदगी में बहुत सी गलतियाँ करता है, मैंने भी की, और इन्हीं गलतियों से सीखता है। जैसे मैंने सीखा, शायमा मुझसे शादी करोगी? ये कैसा इश्क है, ये कैसा दर्द है।